أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ये जुम्मे वाला दिन आया गुफ्तगू शुरू करने से पहले जैसे मैं पहले गुजारिश करता हूँ हर जुम्मे वाले दिन अपनी हाजिरी करीम आकर इस्लाम की बारगाह में लगवाया करें और इस अंदाज से पढ़ा करें कि नबी पाक इस्लाम की बारगाह में हमारी आवाज़ पहुंच जाए। एक बार याद रखें कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आवाज़ पहुंचाने के लिए ना आवाज़ की खूबसूरती की ज़रूरत है और ना किसी स्पीकर की माइक की साउंड की ज़रूरत नहीं है, वो तो दिलों के हालों को जानते हैं। जब आप खलूस नीयत से कभी भी पढ़ते हैं अल्लाह ताला और उसका महबूब आपकी आवाज़ को सुनता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला जो कुर्बानी का गोश है ना, जो कुर्बानी करते हैं, तो अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी के जानवर के खून और गोश को नहीं देखता, वो देखता है इसकी नीयत क्या है, मन में क्या है। अगर आप खलूस नीयत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दिखाएंगे, तो यकीनन सरकार आपके सलाम का जवाब भी देंगे। बेसिकली कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनको हम बुरा ही नहीं समझते, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम आदी हो गए ना, उसको बुरा ही नहीं समझते। आम हो गई है बात मुआशरे में, झूठ बोलना आम हो गया है, शराब पीना आम हो गया है, बद निगाही आम हो गई है, ये बुरे काम आ गए, उसको कोई बुरा ही नहीं समझता। औरतों से मर्द हाथ मिला रहे हैं, मर्द औरतों से हाथ मिला रही है, ये आम हो गया, तो इसको हम बुराई समझते नहीं है। जबकि दीन के मामले में, शरीयत मामले में जो अहकाम शरा है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है, उसके बारे में हमें एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला का और नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है। अगर हर जुमे में एक भी नई बात हमें समझ आए, एक नई बात, सिर्फ एक नई बात, और उस पर अमल करना शुरू
करते हैं तो महीने की चार बातों पे अमल करेंगे और साल की 12 चौक 48 बातें बंदा जब अपनी 48 गलतियां दूर कर ले तो मेरा ख्याल है वो अपनी जिंदगी को चेंज कर जाता है एक ही साल में। लेकिन शर्त यह है कि जो बात सुनी जाए उस पर अमल किया जाए कि हाँ यार ये बात मैंने सुनी है तो मुझे उस पर अमल करना चाहिए, मुझे बुरे कामों से बचना चाहिए। देखिए दीन हमें बुराई से रोकता है और अच्छाई की दावत देता है सादा से अल्फाज में। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जहान के लिए रहमत बन के आए ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ड्यूटी क्या लगाई थी कि ऐ मेरे महबूब काम तेरा ये है कि लोगों को बुरे कामों से रोकना और अच्छे कामों की दावत देनी है, उनका यकीन और ईमान कामिल करना है कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो, उसके नबी पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, रसूलों पर लाओ, यौम आखिरत पर लाओ, फरिश्तों पर। उनको हुक्म दिया कि ये जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं सबका काम ये था कि मखलूक को खालिक से मिलाते थे और बुरे कामों से रोकते थे और अच्छे कामों की दावत देते थे। अच्छा अब नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी आ सकता नहीं है ना ही कभी कोई आएगा। अब क्या होगा, जिस इलाके में पहले ऐसा होता था जिस इलाके में लोग ज्यादा दीन से दूर होते थे अल्लाह वहां पर नबी भेज देता था, अब नबियों का सिलसिला मुनकता हो गया, अब नबी नहीं आते, अब अल्लाह ताला उस इलाके में एक अल्लाह अपना कामिल बंदा पैदा कर देता है, वो लोगों को दीन की बातें बताता है, समझाता है, गाइड करता है, बुरे काम ना करो, उनको गाइड करता है, समझाता है, बेसिकली उसका वो काम है जो नबियों का काम था। नऊज़ बिल्लाह वो नबी नहीं है, नहीं नहीं नबियों का सिलसिला तो बंद हो गया उनके आने का। अब वो सिलसिला अल्लाह पाक ने अपने बंदों को चुना है, इसमें कमाल बात क्या है, जो नबुव्वत है ये अल्लाह की तरफ से एक लिमिट थी, उसके बाद नबुव्वत का सिलसिला बंद हो गया। ये जो ना हदायत देने वाले लोग ये कयामत तक पैदा होते रहेंगे, अल्लाह आपको चुन ले, इस भाई को चुन ले, इसको चुन ले, अल्लाह इसको चुन ले जिसे चाहता है। बल्कि एक मजेदार बात बताता हूँ, आप लोग अपने मुआशरे में जहाँ आप रहते हैं आप बेशुमार मरतबा खुद ऐसा करते होंगे, कई लोगों को आपने बुराई से रोका होगा, ये नबियों का तरीका है, आपने कई लोगों को बुरे कामों से रोका होगा, बुरी बातों से रोका होगा, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, अजीजों करवा को, अपने हल्के अहबाब में से बहुत सारे लोगों को आपने बुराई से रोका होगा, अच्छाई की दावत दी होगी, तो ये किसका ये इनाम फिर क्या है। ये बात अपने जहन में रखें, इसी बुराई को रोकना और अच्छाई की दावत देना यही तो औलिया का सिलसिला रहा है, इसी बेस पर दर्जा बुलंद होगा तेरा, बुनियाद तेरी ये होगी अगर तू लोगों को बुरे कामों से रोकेगा अच्छे कामों की दावत देगा तो अल्लाह ताला तेरे दर्जे को बुलंद करेगा। अच्छा दर्जा बुलंद होने में सबसे पहला काम क्या, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। फिर जो एक बार दुआ मांगना, अल्लाह तू मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, अल्लाह से मांगना, अल्लाह को अच्छा लगता है मांगने वाला, ये बात भी अपनी जगह है। लेकिन अगर आप बुराई से रोकते हैं और अच्छाई की दावत देते हैं तो अल्लाह ताला आपको मांगने का मौका नहीं देगा, उससे पहले आपकी मुरादें पूरी करता चला जाएगा। बस इतनी सी बात है, नेकी की दावत देनी है, बुराई से रोकना, बस इतना सा काम है। इसके बदले में अल्लाह ताला आपको मांगने का मौका ही नहीं देगा, मांगने से पहले तुम्हें अता कर देगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि यार इतनी देर तो होगी हमें मांगते, इतनी देर तो होगी हमें जिंदगी में, कई लोगों को हमने रोका है तो हमें मिला क्या है। ये भी सुन ले जरा, आपका ईमान ताजा होगा, मिला ये है कि आज आप अल्लाह की बातें सुनने के लिए उसके घर में आके बैठे, किसी शराब खाने में, किसी बुराई के अड्डे में, किसी जिना के अड्डे में, किसी गंदी जगह पर नहीं बैठे। अल्लाह ने आज आपके दिल में जब बेईमानी करने लगते कहते नहीं यार नाराज होगा, नहीं यार मैं भला कर देना चाहिए, खुद ये कहते हैं दूसरे को यार किसी का भला कर देना चाहिए यार। तो इसके जो बंदा बुराई से किसी को रोकता है और अच्छाई की दावत देता है बदले में अल्लाह उसके दिल को नरम कर देता है, क्या कर देता है, नरम कर देता है, वो फिर सख्ती वाला नहीं रहता, नहीं नहीं नहीं, फिर वो प्यार वाला रहता है, उसको देख के लोग ईमान मजबूत करते हैं, उसको देख के लोग कहते हैं हाँ यार दिल करता है तो बैठ ही रही है यार, क्यों बोला, क्योंकि उसका काम क्या है, लोगों को
बुरे कामों से रोकना और अच्छे कामों की, ये आम बात है ना। ये छोटा बच्चा भी ये काम कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बहन भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है। इसमें एक बात और भी ज़हन में रखे, शैतान हमारे ज़हन में वसवसा डालता है, क्या बोला यार मैं आपके नमाज पढ़ता मैं लोगों को किवें रोक सकता। सुनो मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, कि काम क्या करना चाहिए, जहां बुराई मिले वहां उसको रोक दो, अल्लाह उसके बदले में आपकी नस्ल को बुराई से रोकेगा। आप देखते हैं कई मतलब हमने तैयार किया होता है गुनाह का, पक्का इरादा किया होता है बुराई का, तय किया होता है सारी बात, अचानक से ऐसे हालात हो जाते हैं कि बुराई हो ही नहीं पाती। बहुत मरतबा ऐसा होता है। इसकी दो बातें हैं, एक तो होती है आपके पीछे आपके पीर मुर्शिद की निगाह है, और एक ये बात है कि आपके बड़ों ने कोई नेकी की, अल्लाह ने उस नेकी के बदले में उसकी नस्ल को गुनाहों से बचा दिया। पीर मुर्शिद की निगाह भी इसीलिए हुई कि तेरे बड़ों ने कोई नेकी की और तू किसी बुजुर्ग के साथ मुंसलिक हो गया, उसके बदले में अल्लाह ने तेरी काया पलट दी। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारी नस्ल आगे से ठीक हो जाए तो हमें बुरे कामों से, उसमें बुरे कामों में एक चीज ये है कि हमें शराब जैसी लानत से दूर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो तो शराब नहीं पीते वो कहते हैं यार हम तो कभी पीते नहीं है, लेकिन ये बीमारी इतनी आम हो रही है ना, इतनी आम हो रही है ना, शायद हमारी सोच भी नहीं। और अकरीमा का सलसल का इशारे ग्रामी सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे पास जिब्राइल आए। कौन आए? जिब्राइल, फरिश्तों के सरदार। और आके क्या कहते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने शराब बनाने वाले, उसको बनवाने वाले, उसको पीने वाले, उसको उठाने वाले, उसको बेचने वाले, जिसकी तरफ जा रही है उसको उसके ऊपर, और जो पिलाने वाला है, जो पीने वाला है, यानी बनाने वाला, बनवाने वाला, लाने वाला, बेचने वाला, जिसकी तरफ जा रही है उसको, पीने वाला, पिलाने वाला, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि उस पे लानत है। क्या है? उस पे लानत। अब अल्लाह जिस पे लानत करे, क्या अल्लाह जिस पे लानत, अल्लाह जिस पे लानत करे, कहां कौन कर क्या रहा है, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, रखने वाला, ले जाने वाला, पेश करने वाला, सब पे अल्लाह की लानत है। बात छोटी सी है ना यार, ये तो बात ही कुछ नहीं है, ये तो आम बात है। अब सुने, मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस चीज का हुक्म दिया, अल्लाह ने कुरान में मना कर दिया, ये मना है, बस मना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिसको मना कर दिया ये मना है। एक हदीसे पाक में ये भी आगे मैं आपको जाके सुनाता हूँ कि करीम अकाल इस्लाम ने इशारा फरमाया शराब का नाम बदल कर उसको इस्तेमाल करें, उसका नाम बदल कर। अब मैं आपको ये बात क्यों गुजारिश कर रहा हूँ, शुरू तो मैंने यहाँ से बात की कि हमें बुराई से रोकना चाहिए और अच्छाई की। एक बात अपने जहन में रखे, जो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करूँ, नबी पाक सल्लम की मोहब्बत हासिल करूँ, कि मैं जो मुराद मांगा करूँ अल्लाह मेरी मुराद पूरी किया करे, उसको चाहिए कोई बंदा उसके पास आया ना बुराई के नियत से, या बुरा काम उसको दावत देने या कहने के लिए, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर बुराई देखे वहां पर ही बुराई को रोक दे के, यार ना कर यार तू ना भेड़े काम ना कर छड़ दे यार काम करने। बहने बेटियां ये बड़ा अहम रोल अदा कर सकती हैं इसी दीन के अंदर, मुआशरे के अंदर बेटियां बहने माएं बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आप देख रहे खानदानों के खानदान बेटी की इज्जत की खातिर तबाह हो जाते हैं, कत्ल वारत हो जाती है। तो एक बेटी अगर दूसरी बेटी की इज्जत को बचा ले, उसको समझा दे बेटा बुरी बात है तूने ये गंदा काम, ऐसा काम नहीं करना जिससे तेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो, तो उसका इंजाम क्या होगा, उसका इंजाम ये होगा कि अल्लाह ताला उस ठीक यानी रोकने वाली के नसीब को अल्लाह ताला ऐसा बनाएगा कि लोग उसके नसीब पे रश करेंगे, यार बड़ी बात है यार, रश करेंगे उसके नसीब पर। तो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, जमा करने वाला, रखने वाला, सब पे अल्लाह की लानत है। अब आगे सुने जरा करीम आकाश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इरशाद गिरामी। मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम, अच्छा जो लोग तो ये खासकर जो बच्चे बैठे हैं ना, जो जवान है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस लानत से जिनको महफूज रखा है, अल्लाह सबको महफूज रखे, उनके लिए तो ये बात है यार, हम तो नहीं पीते। मेरे बेटो, मेरी बच्चियों, बहनों, बेटो, आपने लोगों को बयान करना है, आपने लोगों को समझाना है, आपने लोगों को मना करना है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बचाया तो आपकी जिम्मेदारी अब यह है कि अब लोगों को मना करो। जो भी सलामत से महफूज है अल्लाह उसकी नस्ल को महफूज रखे, लेकिन करना क्या है? अगर हम इसको इस लानत से बचे हैं तो अल्लाह का खास करम है, आगे दूसरे लोगों को इससे बचाना है। असल बात की तरफ आना है, मुसलमान का काम क्या है कि खुद भी बुराई से बचने वाला। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अपने आप को, अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाओ। एक हदीस पाक में यूं आता है, नबी पाक रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत वाला दिन होगा सिर्फ एक साया होगा जिसे कहते हैं अर्श का साया। कौन सा साया? अर्श का साया। अर्श का साया होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा इस साये के नीचे से जो बूढ़ा जानी है, जिना करने वाला, बूढ़ा, उम्र गुजर गई, आदत ना गई, बहुत सारे लोग आप देखते हैं ना दाढ़ी चिट्टी हो गई, माइयां देखते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन हरकतें ना गई, नहीं हरकतें बुरी। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कयामत वाला दिन होगा, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा बूढ़े जानी को, अल्लाह जो अर्श का साया होगा ना, अल्लाह की रहमत का एक साया होगा, फरमाएगा कि इस साये के नीचे से बूढ़े जानी को खींच के निकाल दो। दूसरा किसको फरमाया? एक बूढ़े की बात फरमाई, दूसरा फरमाया जो माँ बाप का ना फरमान है, फरमाया इसको खींच के बाहर निकाल दो। अल्लाह, अल्लाह का कर्म है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बच्चे हुए भी कैसे हैं ये भी सुनो जरा, हम कैसे बचे हुए हैं? इसलिए हम बचे हुए हैं कि हम किसी की निस्बत में हैं, किसी के दीनदार के पास आना जाना है, बार बार हमारे ईमान को झंझोड़ता रहता है, ईमान को ताजा करता रहता है, ईमान को मजबूत करता रहता है। बदले उसके क्या हो रहा है, अब मैं उसकी मिसाल भी देता हूँ। एक बंदा है, उसने दो दरख्त लगाए, एक दरख्त को पानी नहीं देता, दूसरे दरख्त को पानी देता है रोजाना। जिसको पानी देता बड़ा भी होगा, उस पर फल भी लगेगा, और जिसको पानी नहीं दिया जा रहा वो सूख जाएगा। अब जो बंदा किसी दीनदार के पास आता है और दीन की बातें सुनकर अमल करता है, वो ऐसा दरख्त है जिसपे फल लगना ही लगना है। जिसपे फल, फल क्या है? फल ये है कि जो तू रब से मांगे रब तुझे अता करता चला जाए, दुनिया भी और कब्र भी और हशर भी, दुनिया भी, कब्र भी और हशर भी। खासकर जो नौजवान है ना यहाँ बैठे, ज्यादातर जवान आते हैं, बहने बेटियां हैं, बच्चियां बच्चे पढ़ते हैं, उनके वालिदैन यहाँ पर आते हैं। क्यों ये मैं बात कह रहा हूँ, इस मौजू को मैंने क्यों छेड़ा है? इसलिए अगर अभी से आदत हमारी बन जाएगी ना लोगों को बुराई से रोकने की और अच्छाई की दावत देने की, तो फिर बुढ़ापे में जाके कायनात का मालिक फिर वो काम हमारे से लेगा कि लोग कहेंगे यार बड़ी कर ले, ये बुढ़ापे भी इतना चंगा काम कर गया यार। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दाखिल कौन नहीं होगा? सुने जरा, पीरों के पास जाने वाले बड़े तवज्जो से बात सुन ले, एक बात याद रखे, अल्लाह के वली की और जादू टोने वाले का फर्क है। बात समझ गए? अल्लाह के वली का और जादू टोने वाले का, मैं उसको मैं यूं ऐसे समझा देता हूँ, दादा साहब थे ना ला रहमान, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए, जब वो गए तो यहाँ एक जादूगर बैठता था, ठीक है, और जो ग्वाला दूध देने वाला उसके घर में दूध नहीं देने आता था तो उसकी भैंसों के थनों से खून आता था दूध के बदले में। अमल देखे, जादू देखे, क्या क्या आता था? खून आता था। हाँ जी, उसकी भैंसों के थनों से खून आता था।
अब लोग डर के मारे सारे चले जाते थे। दादा साहब भी जाकर दरख्त के नीचे बैठ गए। माई एक थी तो दादा साहब ने पूछा अल्लाह रहमान ने कि माई किधर जा रही है? कहने लगा सना फलाना बंदा है तो उसके दूध देने जाते हैं रोजाना जा रहे। तो आपने फरमाया कि तू रोजाना यहाँ जाती? कहती जिस दिन ना जाए ना उस दिन खून आता है दूध के बदले में। आपने फरमाया तू दूध ऐसे रख जाना। क्या फरमाया? दूध दे उस दिन दूध रख जाना, आधा तू ले जा आधा यहाँ छोड़ जा। उन्होंने क्या करना था जो पास मलंग बैठे थे वो कहा पी लो सारे। तो अगर तेरी बहन जबर दूध दे फिर तो ठीक है ना, कौन नहीं आएगा? आएगा दूध ही लेकिन आएगा भी। अब वो औरत जो थी वो दूध रखा दोबारा अगले दिन वो शौक से लेके आई। जब डबल जो हो गया वो फिर औरतों की आदत होती है दूसरी को तीसरी को आहिस्ता आहिस्ता बात फैलते फैलते बताने ये लगा कि जादूगर किसको कहते हैं और वली क्या होता है। दोनों को फर्क रखो, दोनों को फर्क रखो, समझ होनी चाहिए कि जो वली है उसका उसका मकाम ये है कि वो अपनी जबान से बात निकाले तो कायनात का मालिक उसकी बात को पूरा कर देता है। अब वो जो जादूगर था उसके पास भी बात पहुंच गई। उसने कहा ठीक है, ये बच्चों के लिए इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये आजकल जादूगर को भी वली कहा जाता है और वली को भी जादूगर कहा जाता है। बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है ना। अब वो उसके पास जब बात पहुंची उसने कहा जो उसने अपने चेले चमचों को भेजा के बाबे लोगो तू ध्यान कर मैं साढ़ के सवा कर मांगा है ना। आजकल का तो मौलवी होता तो उन्हें जाने बाबा जी तारी मेहरबानी अद्दो अद कर लेने हैं ना। जो दुनिया है ना आपने फरमाया यार उसे को भाई मैं तो अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर ड्यूटी करने आया, मुझे तो नहीं पता यार तू कौन है मेरे लिए, तू भी काबिल एहतराम है, सारी दुनिया काबिल एहतराम। उसने कहा ये ड्रामा छोड़ दे। सख्ती की उसने, सख्त अल्फाज किए। आप अपने काम में लगे, फकीर का काम है कोई गालियां भी दो तो उसने खामोशी से अपना काम करना है। काम उसका क्या है? गालियां देने वालों के बारे में जाना सुनिया सीता की जाना ठीक कर दे। काम उसका ये है, कोई और काम नहीं है। बदवा नहीं देने उसने, नहीं फकीर बदवा देता ही नहीं है। फकीर सिवाय उसके जो अल्लाह की जात के खिलाफ बात करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात करे, ख़त्मे नबूवत के खिलाफ बात करे, कुरान के खिलाफ, उसको बद्दुआ देता है। वरना फकीर किसी मुसलमान को बद्दुआ देता ही नहीं है। अब वो आगे चल के कहना जी बाबा जी तो अन्ना का मुकाबला करना है सारे। और जो कह दिया जी ठीक है मैंने मुकाबला करना है, आपने फरमाया मैं किसी ना मुकाबला कर नहीं सकता, मैं किसी से मुकाबला मैं तो मुकाबले के काबिल नहीं हूं, तू आज ही जो तेरा दिल करेगा कर नहीं करा। अब क्या उसने कहा आगे? अब वो जो पीर साहब को जो बाबा जी के साथ बोलते थे ना मेरे नाल दे मुरीद होने कच्चे ईमान दे बाबा जी वो तो तुम पता है वो तो दुनिया अपना है समझ गया ना। आप फिर फरमाया कुछ नहीं होता यार मैं जो चुका के जो आए वो देखी जाएगी। अब वो आ गया उसने कहा बाबा जी अपनी करामत दिखाया। आपने फरमाया मेरे पल्ले से करामत कोई नहीं, तू जो करना कर ला। उसने क्या किया जादू देखे, उसने उड़ के उड़ना शुरू कर दिया। क्या किया? उड़ना शुरू कर दिया। फिर बोलो उड़ना शुरू कर हवा में उड़ना शुरू कर। आजकल जहां पे उड़ना शुरू करते सारे घर के वाह जी वाह के काम लगा। बीबियां दे मैं कह रहा हूं पैर ही नहीं छटन के मर्द भी इल्ला माशाल्लाह बीबियां दे मेदे वाले नहीं समझे उन्होंने भी उनके पैर छड़ने नहीं आना कहना नहीं है तो भाजी बली हो गया। सुनो जरा उड़ना शुरू कर दिया। अब जो पास बैठे थे ना पक्के ईमान वाले तो उनको तो पता था कि बाबा बाबा है, उनको तो पता था ना। तो जो कच्चे थे वो ऐसे बेचारे समझ आ गए ना ओए उनकी बनेगा उनके कोई यार सानू दे ना लग जाना चाहिए यार समझ आ गई। ऐसे होता है ना वो आश्रय में आप खामोशी से बैठे रहे जब आपने उसको ऐसे उठ तो देखा ना तो आप अपने पैरों में खड़ावे पहनते थे लकड़ी की वो बनी होती थी जो थी उसके ऊपर एक सुराख करके एक छोटा सा लगा देते हैं ताकि पांव का अंगूठा उसमें फंस जाए। आपने अपनी जूती को छोड़ा अरे जूती ने उड़ना शुरू कर दिया। किसने? जूती। अरे जूती उड़ी नहीं, जूती उसे ऊपर प्रवास करके उसके सर पे लगना शुरू हो गया। हाँ शुरू हो गया लगाते लगाते जब नीचे आया ना जमीन पर गिरा तो दाता जी हजवेरी ने मुझे और आपको ये सबक दिया, मुझे और आपको रहती दुनिया तक बताया कि जादूगर में और फकीर में फर्क क्या है कि जादूगर का जादू फकीर की जूतियों में खत्म हो जाता है।
ये बताया कि जादूगर का जादू अल्लाह कुरान में इसका ऐलान करता है। पूरा कुरान जो है वो शिफा है। जो बंदा ये कहता है कि जादू का तोड़ जादू में अपने ईमान की हिफाजत करे, और सुनो जरा, पीरों के पास बैठने वालों तवज्जो से सुनो जरा, किसी जादूगर के पास, किसी काहन के पास, किसी साहबता लगाने वाले के पास मत जाए तो अपने ईमानों को खराब करने के लिए। अल्लाह के वलियों के पास जाकर बैठा करो कि जिसके पास जाके तेरे इल्म में इजाफा हो, जिसके पास जाके तुझे आखरत याद आए, तेनू वेख के तेनू रब याद आ जाए। ऐसे लोगों के पास जाके बैठा कर। और हदीसे पाक सुनो, ताकि मैंने क्यों ये बात बताई है कि जादूगर में और फकीर में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कौन दाखिल नहीं होगा, फरमाया कि शराब का आदि जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर वो शराब की आदत में बगैर तौबा किए मर जाए तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये तो एक वली की बात आपको मैंने सुनाई है ना, हमारे पाकिस्तान बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर और ये इकराम की हिस्ट्री भरी पड़ी है। आप अगर वलियों की हिस्ट्री उठाएंगे ना, एक से बढ़कर एक वली की करामत है। लेकिन एंड क्या था उसका? एंड ये था कि जो गलत तरफ बंदे लगे हुए हैं उनको सीधी तरफ लगाना, ये उनका एंड था। कोई और कोई मकसद नहीं था। किसी वली ने कोई जमात नहीं बनाई, कोई तंजीम नहीं बनाई किसी वली ने। मखलूक का भला किया, हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे, ईसाई भी आते थे, यहूदी भी आते थे, नसरानी भी आते थे, गुनहगार भी आते थे, नेक भी आते थे। उनका काम ये नहीं था। वो वली की आदत वाला क्या होती है? वली की आदत होती है सूरज वाली। क्या? फिर बोलो। हवा वाली, रोशनी वाली, बारिश वाली। अब सूरज की क्या आदत है? सूरज जब निकलता है तो सबको रोशनी देता है, किसी किसी को नहीं देता। जो सूरज को मानता है, जो अल्लाह को मानता है उसको भी देता है, जो नहीं मानता उसको भी रोशनी देता है। हवा की क्या आदत है? सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि कलमा पढ़ने वाले को मिलती है और दूसरों को नहीं। सबकी, सबको मिलती है। बारिश जब बरसती है तो सब पे बरसती है। अच्छा, ये है वली की आदत। और आसान कर दूं, एक आदत ऐसी है जो वली की है और वो वली जो है वो उसको अल्लाह की आदत समझ के अपना लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबके राज रखता है। क्या करता है? सबके राज, हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, नसरानी, सबके राज रखता है। अच्छा, कायनात का मालिक है ना उसने। मैं उस दिन बैठ के बच्चों को बता रहा था कि जो वली होता है ना, वली उसको अल्लाह तैयार करता है। कौन तैयार करता है? खालिक उसके दिल में बातें डालता है, वो उसको अपना कुरब अता करता है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आता है, वो लोगों को दीन की दावत देता है। लेकिन बुनियाद इसकी ये है, किसी भी वली की बुनियाद ये है कि वो लोगों को बुरे कामों से रोकता है, अच्छे कामों की दावत देता है। अगर आप वली बनना चाहते हैं या वलियों के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे बन जाए, बेहतरीन तरीका है लोगों को बुराई से रोको और अच्छाई की दावत दो। आओ जरा, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत में कौन लोग मिलेंगे? फरमाया शराब का आदि। दूसरा सुन जरा, मैं जादू टूने पर यकीन रखने वाला। अल्लाह, जादू टूने पर यकीन रखने वाला, यानी जादूगर की गैबी बातों की तस्दीक करने वाला, उनके करिश्मों की तस्दीक करने वाला, मैं जन्नत में नहीं जाएगा। उन्हें मेरे से जादू कर देता, मैं उन्हें जादू की वजह तो बीमार हो गया। जो ये यकीन रखता है जन्नत में नहीं जाएगा, देखो मेरे अल्लाह ने मुझे बीमार किया है, वही मुझे शिफा देगा। सिर्फ अल्लाह मुझे शिफा देने वाला है, बस मेरे पीर मुर्शिद की निगाह से मुझे शिफा मिलेगी। पहले अल्लाह ताला शिफा देगा, मेरे नबी की निगाह करम से शिफा देगा, मेरे पीर मुर्शिद की निगाह करम से मुझे शिफा मिलेगी। ये तो बात समझ में आ जाती है कि किसी की निगाह करम से शिफा का मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं। कुरान हदीस से साबित है ये बात। लेकिन याद रखो
जादू टूने के बाद फिर उसके बाद वाले तौर पर तस्दीक फरमाई है, मैं जो इनके पास जाए और जाके इनके इलम की तस्दीक करे, मैं वो जन्नत में नहीं जाएगा। वलियों में और इनमें जमीन आसमान, मैं और बात आसान कर दूं ताकि बात समझ आ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम के पास क्या था? एक आशा था, बोलो था कि नहीं था ना? मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, बोलो। अब वो आशा क्या था? डंडा था। क्या था वो? डंडा। अब वो गए ना जो जादूगर थे, बोले कौन थे? नबी है एक तरफ, दूसरी तरफ जादूगर है। क्या है? जादूगर है। अब सुनो जादू क्या है, ये भी जरा अच्छे तरीके से सुन लो। वो मुकाबला शुरू हो गया ना, तो नबी के पास आए कौन? जादूगर। कौन आए? जादूगर। आके कहने लगे हम आपका अदब करते हैं। क्या करते हैं? अदब करते हैं। हम आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम अदबन कहते हैं कि पहले आप अपना दिखाएं जो भी दिखाना है। अब नबी ने क्या फरमाया? फरमाया नहीं यार, तुम मेरा अदब करते हो ना, बस नबी का अदब करने वाला कभी कलमा पढ़े बगैर जाएगा नहीं। मैं अच्छा तुम अदब करते हो तो फिर ऐसा करो, तुम करो जो भी करना है। तो जादूगरों में रस्सियां, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी। क्या फेंका? रस्सियां। फिर बोलो। रस्सियां। रस्सियां टूटे टूटे करके ना, चार चार फुट के, पांच पांच फुट के टूटे रस्सियों के करके वो फेंक दिए। जैसे रस्सियां फेंकी उनमें जान डली, वो सारे के सारे सांप बने, बड़े बड़े जादू के इलम से क्या हुआ? वो सांप बने। अब नबी तो नबी है ना, नबी तो वो, ये तो बड़ा नबी का मकाम तो बड़ा आला है, यहाँ तो अल्लाह के वलियों का मकाम बड़ा ऊंचा है। नबी का मकाम तो बड़ा उराउन बड़ा है ना। अब क्या हुआ? अब जब वो रस्सियां देखी, वो सांप बन गए, आपने अपना आशा छोड़ा डंडा, समझ आ गए? वो इतना बड़ा अजदहा बना, उन सबसे बड़ा अजदहा बना। उसने क्या किया? सुनो जरा, जादू का तोड़, जादू का तोड़ अल्लाह ताला के कामिलीन नबी वली जितने अल्लाह के नेक हैं उनकी एक चीज के अंदर, छोटी सी चीज के अंदर जादू का तोड़ है। आपने अपना आशा छोड़ा, बड़ा अजदहा बना, उसने एक सांस लिया, सुने जरा, ऐसे जैसे बंदा अंदर सांस खींचता है ना, उसने एक सांस लिया, सारे के सारे सांप खींच के वो अंदर ले गया। सैकड़ों की तादाद में थे। मजेदार बात यह है, ना उस अजदहे का पेट बड़ा, ना किसी को समझ आए। तो ये कहना कि जादू का तोड़ जादू में है, ये आपको लफ्ज ईमान से खारिज कर देगा। शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में है, बीमारी देने वाला भी वही था, मेरा तोहफा हो या शफी, मेरा अल्लाह मुझे शिफा, जब मैं बीमार होता हूँ मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। जादूगरों के पास जाना, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले बेटियां गौर से सुन ले, ये नौजवानों आप भी गौर से सुनो, क्या लिखा होता है? हर काम हनुमान की मदद से, कामना होने की सूरत में 10 लाख रुपया इनाम, कामना होने की सूरत में 5 लाख रुपया इनाम, पता नहीं क्या क्या बातें लिखी होती हैं। ऐसी बातें जो आप फैमिली के साथ बैठ के पढ़ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। अपने ईमान मजबूत करो, ईमानदारी से फैसला करो। अगर हर काम इनकी हनुमान की मदद से होना है, ये नवाज शरीफ क्यों रो रहा है? 5 लाख देके तुम्हारा वजीर आजम बन जावे। इमरान खान क्यों रोता पे? ये 10 लाख देके वजीर आजम बन जावे। जरदारी क्यों रोता पे? ये थोड़े थोड़े पैसे लेके जज क्यों जलील होते हैं? पहले उन्होंने मुजरम करार देते हैं, फिर उनको हाजी करार देते हैं। ये पैसे लेके आराम से इज्जत कमा के बैठ जाए, ये जनरल क्यों जलील हो रहे हैं? चाहे 10 लाख रुपया लेके उन्होंने मुंह चुप करा दे। इससे साबित ये हुआ कि 5-10 लाख देने से काम नहीं होगा, उद्धे अमला ते होने ने नबेड़े। अल्लाह कुरान पाक में शामत है, मालिक यौम दीन इया कना वदु इया कनस्ताइन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह कयामत वाले दिन तुझे पूछेगा तू दुनिया में क्या करता रहा।
वो दिन ऐसा दिन होगा कि हर चीज का तेरे से हिसाब लिया जाएगा। जादूगरों के पास जाके अपना ईमान खराब ना करो। बीवी शोहर के लिए जा रही है, शोहर बीवी के लिए जा रहा है, अपना ईमान खराब ना करो। हाँ, अल्लाह के वलियों के पास जाओ, वली दुआ करो मेरे बच्चे का नसीब अच्छा हो जाए। अल्लाह के वलियों के पास जाओ, दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे राय हिदायत दे, अता कर दे। अल्लाह के वलियों, मैं तो कहता हूँ अल्लाह के वली के पास चले जाओ तो कमाल है, वरना उनकी अकीदत अपने दिल में रखो, अल्लाह ताला उसके सदके आप पे कर्म कर देगा। अल्लाह के वली की अकीदत अपने दिल में रखो, अल्लाह आपकी काया पर रख देगा। अब हदीसे पाक के इसके आगे वाले अल्फाज सुनो। जन्नत में कौन नहीं जाएगा? शराब का आदि जन्नत में नहीं जाएगा? जादू टूने वालों के पास जाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? तीसरा फरमाया, जो अपने रिश्तेदारी तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्तेदारों को मिलता नहीं है। हाँ, एक है कि एक मजहबी मामला है। आज आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनानी है। यहाँ पर एक मजहबी मामला है। एक मुसलमान बंदा है, वो एक आदमी है, वो मुसलमान हो गया, खानदान उससे टूट गया। मैं तो कहता हूँ हमारा रिश्ता ही नबी से है, सबसे मजबूत रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम से मजबूत रिश्ता है। अल्लाह ताला के बाद अगर दुनिया में किसी से रिश्ता है तो सबसे मजबूत रिश्ता नबी पाक लजपाल अलैहिस्सलाम से है। खुदा की कसम वो खुश नसीब है, मिंबर रसूल पर बैठ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम वो खुश नसीब है जो मेरे नबी को आखिरी नबी मानते हैं। आज आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से, आपको याद है पहले हमारे एक अलामा साहब हैं, उन्होंने भी मेहनत की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो उनकी मेहनत का अल्लाह ताला ने करम ये किया कि पूरा खानदान जो कादियानी थे मुसलमान हुए। आज उनके बाकी रिश्तेदार, पहले तो वहां गए थे कलमा पढ़ाया, आज उनके बाकी रिश्तेदार यहाँ आके उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हुए। मैं कहता हूँ आज जितने लोग इस आवाज को भी सुन रहे हैं ना, आज उनकी भी अगर बख्शिश होनी है तो इनके सदके होनी है। आज नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मदीना में कितनी खुश हुई होगी जब उसने कहा होगा कि मिर्जा कादियानी तो लानती है, मेरे नबी की रूह कितनी खुश हुई होगी। अल्लाह, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने खुश हुए होंगे उनको। तो जो रिश्तेदारी है ना, मुसलमानियत के बेस पर रिश्तेदारी नहीं, ना 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 ना, पहले मुसलमानियत, रिश्तेदारियां सारी बाद में, रिश्तेदारियां सारी सहाबी रसूल है। बेटा आ गया है, बेटा क्या कह रहा है? कह रहा मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया था कि आपसे मेरा एक रिश्ता है। आपने फरमाया वल्लाह अगर तुम मेरे बेटे चढ़ना तो मैं तुम्हें छड़ना। हाँ जी, पहले दीन है, पहले इस्लाम है, पहले मजहब है, पहले मेरे नबी की मोहब्बत है, बाकी सारे रिश्ते बाद में। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा रिश्तेदारी तोड़े वो जन्नत में फिर बोलो नहीं। अब आगे भी सुने जरा, मैंने आपको ये हदीसे पाक इसलिए सुनाई है, मैं मिक्स करके बात सुनाता हूँ ताकि रोजमर्रा की बातें भी होती रहे। यहाँ पे लोग आते हैं दुआ करवाने के लिए, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी को ठीक कर सकता ना। अल्लाह जो सारे जान का मालिक है। हम सुन्नी लोग हैं, हमारा अकीदा है अगर अल्लाह अपने नबियों को नबी ना बनाता, पैगंबरों को पैगंबर ना बनाता तो खुद बन सकते नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह है, वो तो मालिक है सारे जान का। अब हदीसे पाक से बात फरमाए, ये हदीसें नोट करके ले जाए ताकि ईमान बचा रहे। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांच चीजों को हलाल समझोगे तो तुम तबाह हो जाओगे, पांच चीजों को हलाल समझोगे तो तुम तबाह हो जाओगे। उसमें पहली बात फरमाई लान तान गाल गलोज करना। जैसे मुलाकात करते हैं मिलते हैं नारी पांच छह गालों पांच छह गालों है ना, मुलाकात दोस्त आपस में करते, मुलाकात करते ही सलाम लेने से पहले एक दूसरे को गाली गलोज लान तान। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इसको अपनाओगे तो तबाह हो जाओगे। पहली बात क्या फरमाई लान तान गाल गलोज है ना, मिलते नारी ऐसी गंदी गालियां और पता नहीं क्या क्या करना। मैं लान तान करने वाला
अगर फरमाया कि अगर तुम इन चीजों को अपना लोगे तो तुम तबाह। उसने पहली बात क्या फरमाई? लानतन करने वाला। नंबर दो फरमाया शराब पीने वाला। जब शराब आम पी जाएगी तो कौम फिर तबाह हो जाएगी। शराब आती, शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला, बनाने वाला। अब यहाँ पर लिखा है कि शराब पिएंगे तो तबाह हो जाएंगे। क्या फरमाया? शराब पिएंगे तो। आज मौजू मेरा ज्यादा शराब के मौजू पर जोर दे रहा हूँ ना, उसके मुताबिक फिर बीच में हदीसे पाक सुनाता जा रहा हूँ ताकि बाकी भी सलाह होती चली जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबाही हो जाएगी अगर तुम लान तान करोगे। औरतें तवज्जो से बात सुन ले, मर्द भी तवज्जो से बात सुन ले। गाल गलोच करोगे, लान तान करोगे तो तबाही होगी। नंबर दो शराब पियोगे तो तबाही हो जाएगी। नंबर तीन फरमाया मर्द अगर रेशमी लिबास पहनेंगे तो। आजकल आप नेट पे देखते होंगे औरतों की तरह के कढ़ाई वाले लिबास पहन के, बिल्कुल औरतों वाले लिबास पहन के मर्द आ रहे हैं। फरमाया तुम्हारी तबाही हो जाएगी। आगे फिर इसके बाद फरमाया मैं जब गाना बजाने के आलात और गाना बजाने वालियां आम हो जाएंगी तो फिर तुम्हारी तबाही हो जाएगी। आज गाना बजाने वाले आलात अपने घर में रखना फखर समझते हैं और गाना बजाने जो गाना गाने वालियां हैं उनके प्रोग्रामों को जाके देखना यानी बेशर्मी महसूस ही नहीं करते। मैं तबाही है तुम्हारी उसमें। शादी के मौके पर आम पैसा है ना, पैसा जिनके पास पैसा ज्यादा आ जाए तो फिर क्या करते हैं? फिर वो बुराई के अड्डे पर, शराब के अड्डे पर, जिना के अड्डे पर, जहां औरतें बुरे अमल कर रही हैं, जहां पर वो नाचने वाली हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि फिर तुम तबाह हो जाओगे। कब भला? पहले नंबर पर भी फरमाया, दूसरे पहले नंबर पर फरमाया कि जब तुम नाच तान करोगे, शराब पियोगे, मर्द रेशमी लिबास पहनेंगे, जब तुम गाना बजाने वाले आलात और गाना बजाने वाली आम हो जाएंगे उस वक्त। फिर इसके आगे फरमाया पांचवें नंबर पर फरमाया मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से अपनी जिंसी ख्वाहिशात की तकमील करेंगे, जिसे हम जिंस परस्ती कहते हैं। मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से। यहाँ पर यह आता है कि जब कोई मर्द मर्द से बुरा मन करता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है, थरथराता है। फरमाया कि तुम तबाह हो जाओगे। अब तबाही वो क्या है? एक तो तबाही ना दुनिया बर्बाद होगी, फना हो गई, ये तबाही का एक वो हिस्सा है कि आज ला दीनियत, आज बेटा अपने बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेटी अपनी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बीवी शोहर के साथ मुखलस नहीं है, शोहर बीवी के साथ मुखलस नहीं है, बच्चे माँ बाप के साथ मुखलस नहीं है, माँ बाप बच्चों के साथ मुखलस नहीं है, पीर मुरीदों के साथ मुखलस नहीं है, मुरीद पीरों के साथ मुखलस नहीं है। तो भाई किसको कह रहे हैं? हराम को हराम ही नहीं समझा जा रहा, बुरे काम को बुरा काम ही नहीं समझा जा रहा। आप तबाही का छोटा सा एक ना क्लिप सुने सुने जरा कि अपने घर में बैठे हुए हैं और टेलीविजन पर नाच गाना औरत का लगा हुआ है, औरत नाच रही है, क्या माँ भी बैठी है, बहन भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, बाप भी बैठा है और सारे उसको गौर से देख रहे हैं। बोलने जरा इस हदीस के मुताबिक तस्दीक होती है कि नहीं? कि टेलीविजन पर या नेट पर या मतलब मोबाइल पर या आजकल जदीद दौर है ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वो सारे देख रहे हैं उसको अपनी आंखों से। क्या तबाही नहीं? अगली बात भी सुने जो अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया मेरे और आपके लिए। नौजवानों आप मेरा बेटा तवज्जो से बात सुन लो, तवज्जो से बात सुनो, कम से कम ईमान तो बचा के जाओ यहां पर आके। एक जमाना था कि किसी के घर रिश्ता देखने जाना ना, तो उन्हें कहना ये बेटी की तस्वीर दिखा दो, तो हम कहते थे नहीं भाई ऐसी तस्वीर नहीं दिखानी, ऐसे होता था ना।
अब क्या कहते हैं, तस्वीर तो भेज देते हैं नेट पे। अच्छा अब ये बात ही छोटी हो गई। अच्छा अब अगली बात क्या आ गई, अब अगली बात यह कि तेल मेहंदी होती है तो बहनों वहां पे डांस कर रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल तो सबका ऐसा नहीं है जितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुआशरे में ऐसा हो रहा है, बहन डांस कर रही होती है। अलमिया क्या है, देखने वाले सारे उसके रिश्तेदार मर्द उसको देख रहे होते हैं। इससे और खतरनाक बात क्या है, माँ अपनी बेटी को धिक्का दे रही है, तू भी बीच में होके जा, तुझे भी कुछ देखेगा, तेरा चंगी तरह रिश्ता हो जाएगा। हाय हाय, उससे बड़ा अलमिया क्या है कि बहन जो है वो डांस कर रही है तेल मेहंदी पर, शादी पर, और भाई अपनी फेसबुक पे लाइव करके उसको दुनिया को दिखा रहा है। हाय हाय, नौजवानों कम से कम खुदा के वास्ते अपने ईमानों को बचाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाए जमाना ऐसा आएगा तबाही होगी तुम्हारे लिए, तबाही होगी तुम्हारे लिए, तबाह बर्बाद हो जाओगे। जब नाचने वाली आम हो जाएंगी, आज शादी के मौके पर क्या होता है, मैं भी इसी मुआशरे का फर्द हूं, आप भी इसी मुआशरे के फर्द हैं। रोकने पर बाप को बुरा भला कहा जाता है। अब तो सूरतें ऐसी है, बाहर आप निकले ना रोड पर निकले, पाकिस्तान की बात करता हूं, तो मोटरसाइकिलों के ऊपर बाप आगे बैठा है, पीछे बेटी ने ऐसा लिबास पहना है कि शर्म आती है कि यार ये बाप इसके साथ जा रहा है। तो तुम्हें का कौन है, पता क्या फरमाया, तो तुम्हें फरमाते हैं कि औरत के लिबास से मर्द की हया का पता चलता है, औरत के लिबास से पता चलता है कि इसके घर में मर्द इसका कैसा है। खासकर जो यहां पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, ये तो ख्याल करो कि हमारे घर में ये गम तो नहीं मच रहा, जो यहां पर आने वाले हैं, जो इस बयान को सुनने वाले हैं, सोचे तुझे ऐसा तो नहीं है कि एक जगह पर गाना लगा हुआ है और औरतें नाच रही हैं और हम सारे घर वाले मिलकर बैठ के उसको देख रहे हैं, फिर तेल मेहंदी की वीडियो बनती है, पूरी शादी की वीडियो बनती है, पता नहीं कहां कहां वीडियो जाती है। अब तो जदीद जमाना है, अब तो नेट के ऊपर सब बना रहे होते हैं, अब तो कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज का। पता है औरत के बारे में क्या हुक्म है, औरत के बारे में हुक्म है, मर्द को भी क्या हुक्म है, फरमाया कि तुम्हारी गलती से, किससे गलती से एक निगाह औरत पर पड़ गए तो उसमें माफी है, अगर तुम दोबारा देखोगे तो गुनहगार हो, गैर महरम को। और बेटी नाच रही होती है तेल मेहंदी के ऊपर, मर्द बैठे होते हैं, जमा हो रहे होते हैं। अच्छा अब हम एक और बड़ा फतवा देते हैं, जनाब हमने ना वहां पे किसी मर्द का दाखिला मना किया होता है, क्या हो गया है अंकल के अंदर, क्या हो गया, कहते हैं वहां पे मर्दों को हम दाखिल नहीं होने देते जहां बच्चियां नाच गाना कर रही होती हैं, तो वीडियो बना के जब उसको शेयर करते हो, उस समय कौन कौन रोकता है फिर आप, वीडियो बना के पूरी दुनिया में शेयर हो रही होती है, उस वक्त क्या होता है फिर, किस किस को रोकोगे आप। इन बातों का ताल्लुक किसी मसलक से नहीं है, मजहब से इनका ताल्लुक है। यहां एक बात सुन ले जो महात्मा सुनाता हूं, मेरे नबी ने फरमाया कि हया ईमान की शाखों में एक शाख है, मैं जिसके अंदर हया नहीं है ना उसके अंदर ईमान नहीं है। अपनी गलत फहमियां दूर कर लो कि हम बड़े ईमान वाले हैं, मैं जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं है। फरमाया जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं है। ईमान का पता ही कहां से चलता है, सुनो कर ईमान का पता, अब तराजू लेना है आपने, खुद ही चेक कर लेना है, कहीं पर तेल मेहंदी हो रही है ना, तो एक मर्द गया वहां पर आराम से बाहर निकल के आ गया, उसने कहा यार अभी ईमान का तकाजा ये कि मुझे नहीं देखना चाहिए, समझ आ गई बात, ये तो ईमान का तकाजा ठीक है। जब तेरे मोबाइल पे किसी गैर महरम की नामहरम की वीडियो आए, नाचने वाली औरत की तस्वीर और वीडियो आए, उसका कोई वीडियो आके उसे आप देखते रहो, तेरा ईमान वहां भी वही है जो पहले वहां पे था, यहां भी नहीं देखना चाहिए ना फिर तुझे, वहां नहीं देखा तो यहां भी नहीं देखना, ईमान तो ये है ना फिर।
नजेबा तस्वीर, नजेबा वीडियो, नजेबा काम, ये तो फिर ईमान तो यही है ना। फिर अगली बात याद रखें, बंदे के पास नजेबा तस्वीर आई, तवज्जो से सुने, आपका रूह ताजा हो जाएगा। नजेबा वीडियो आई और बंदे ने उसको थोड़ा देख कर, नहीं यार मेरा अल्लाह नाराज होगा, मेरा अल्लाह नाराज होगा, मैंने नहीं देखनी, उसको डिलीट कर दिया या छोड़ दिया या आगे कर दिया, डिलीट कर दिया। और फिर दोबारा मौका मिला, फिर डिलीट कर दिया, फिर दोबारा मौका मिला, फिर डिलीट कर दिया, उसको निकाल दिया। तो फिर अल्लाह अपने फरिश्तों को बुला के कहता है, देखो जिस पे मैं मान करता हूँ, इसे किसी ने देखा नहीं है, इसको पता है कि मेरा अल्लाह मुझे देता हूँ, गवाह हो जाओ मैंने इसके गुनाह माफ कर दिए। फिर कायनात का मालिक उसके मन में जो जो मुरादें होती है ना, उसके मांगने से पहले उसको अता कर देता है। क्या करता है? उसके मांगने से पहले, मांगने की नौबत ही नहीं आने देता। तू इरादा करता चला जा, कायनात का मालिक तुझे अता करता चला। शर्त ये तेरा ईमान मजबूत हो कि मैंने यार नहीं, अल्लाह नाराज होगा, मैंने ये काम नहीं करा। पीर खाने पे आके ये तो सीख के चले जाए कम अज कम, पीरों के पास बैठ के ये तो सीख ले कम अज कम हम, कि बुराई से रोकना है अपने आप को, अपने आप को तो रोकना ये तो सीखे। ये जो तालिब इल्म बच्चे बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, ये तो सीखे अपने आप को सिखाए। ये जो चोरी चोरी गुनाह करना, चोरी चोरी बुराई करना, चोरी चोरी बुरे काम करना, किससे चोरी कर रहे हो? अगर तेरा ये यकीन हो गया मुझे कोई देख नहीं रहा, तू तो ईमान से फिर निकलना चला जाएगा। तुम अल्लाह तो देख रहे, वो तो समीउ बसीर है। आगे हदीसे पाक सुने जरा, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया ना ईमान को ताजा करने वाली बात है, फरमाया जो जो, जो शख्स जिना करता है और शराब पीता है, क्या करता है? जिना करता है, शराब। सुनो जरा, जो शख्स हदीसे पाक है, मैं आपको हदीसे पाक सुना रहा हूँ ताकि ईमान बचा रहे। सुने जरा, फरमाया जो शख्स जिना करता है और शराब पीता है, तो अल्लाह ताला उसके उसको उसके ईमान को दिल से निकाल देता है। क्या फरमाया? जो जिना करता है और शराब पीता है, ये नेट पे बैठ के औरतों की नंगी नजेबा तस्वीरें देखना, ये भी जिना है, इसे आंखों का जिना कहा जाता है। अगर कोई औरत देख रही है मर्दों को, तो उसका वो भी जिना है। फरमाया जब कोई जिना करता है, कोई शराब पीता है, तो अल्लाह उसके दिल से ईमान को निकाल देता है। कैसे निकालता है ये भी बताया। फरमाया ऐसे उसका ईमान निकल जाता है जैसे बंदा कमीज डालता ना, तो कमीज के डालते वक्त फौरन अपना सर बाहर निकालता है ना, कमीज के गले से, है ना, कमीज पहनते वक्त। कमीज का नाम बताया जिसे बाप ने, फरमाया जैसे कमीज से वो सर निकालता है ना, उसको पता नहीं चलता, ऐसे उसके अंदर से ईमान निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। किसका भला ईमान निकल जाता है? फिर बोले, फिर बोले, जना वाला शराब पीता है, अल्लाह उसके दिल से ईमान को निकाल देता है, जब तक इस बुरे अमल से वो तौबा ना कर ले। अगर वो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह उसको उस दौलत से माला माल है। अब आखिरी हदीस पाक सुने, फिर इंशाल्लाह जुमे की नमाज पढ़ते हैं। एक है शिर्क, क्या? शिर्क, अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक करना, शिर्क है। और शिर्क माफ नहीं है, शिर्क माफ नहीं है, शिर्क माफ नहीं है। जो किसी को अल्लाह की जात और सिफात के साथ शरीक करे, उसे माफ नहीं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, ये तो क्यामत वाले दिन पता चलेगा ना, काफरों की आयतों को मुसलमानों पे चस्पा करते हैं। सुनिए, वो कहते हैं तुमने जो छोटे छोटे खुदा बना कर रखे हैं, जिनके तुम पूजा करते हो, सुनिए वो कहते हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं, तुमने छोटे छोटे खुदा बना कर रखे हैं, तुम उनके पास जाते हो, उनकी पूजा करते हो, जैसे दाता, जैसे खाजा, जैसे गौसल आजम, तुमने इनको खुदा बनाया। खुदा की कसम मैं मिंबरे रसूल पर बैठ के कह रहा हूँ, क़यामत वाले दिन तुम्हें पता चलेगा जो तुम इतना बड़ा स्टिकर मुसलमानों पर लगाते हो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, हमारा बच्चा बच्चा कहता है कि दाता अल्लाह का वली है, खाजा अल्लाह का वली है, बुल्ले शाह अल्लाह का वली है। हम तो पढ़ के साले सवाब करते हैं, हम तो तस्दीक करते हैं कि मरे हुए को साले सवाब किया जाता है, वो अपनी कब्रों में जिंदा है, हमारा अकीदा।
ये कहते हैं तुमने छोटे छोटे खुदा और उनकी पूजा करते हो, हमारा इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत, हम उसको खुदा नहीं मानते, हम उनको अल्लाह नहीं मानते, हम उनको अल्लाह वाले मानते हैं, उनको माबूद नहीं मानते, हम उनको माबूद का महबूब मानते हैं। महबूब में और माबूद में फर्क है। तो जो अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक करे उसे मुशरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब पीने वाले तवज्जो से मेरी बात सुन लेना, जो अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक करे उसे मुशरिक कहा जाते हैं। उससे मुशरिक मुसलमान नहीं रहता, दारे इस्लाम से खारिज होता है। हदीस पाक समाअत फरमाए, मेरे रब के नबी पाक कृष्णा ने इरशाद फरमाया, शराब का आदि ऐसे है जैसे बुतों का पुजारी, उसको मुशरिक से जाकर तशबीह दे। शराब का आदि ऐसे है जैसे बुतों का पुजारी। तू समझते ये गुनाह ही नहीं है? शर्क कितना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी लाजपाल इस्लाम ने फरमाया कि शराब का आदि ऐसे है जैसे बुतों का पुजारी मुशरिक जैसे। यहां के आप मजदूर क्या करते हैं? मजदूरी करने वाले, सारा दिन ईंटे उठाने वाले, सारा दिन लोहे की पट्टी पे काम करने वाले, सारा दिन मालिकों की गालियां सुनने वाले, मजदूरी करके शाम को पैसे खरीद के जाके शराब पी लेते हैं। क्या हो गया यार तुम्हें? इतनी मेहनत की कमाई तुम इस तरह रोड़ देते हो, इतनी मशक्कत की कमाई तुम किधर लगा रहे हो? तुम्हारे बच्चों का हक है, तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे माँ बाप का हक है, तुम्हारे बहन भाइयों का हक है यार। क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा, कमाता कहां से था, खर्च कहां पे करता? खुदा के वास्ते अपनी हलाल कमाई हराम वास्ते पर न फेंका करो। और जो शराब के आदी हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, कभी भी तौबा कर ले, कायनात का मालिक माफ करने वाला है। शराब के आदी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, ना ये कुरान है ना ये हदीस है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मशहूर जो बात है बुजुर्गों से जो सुनी है, कि शराब का आदी जब मर जाता है ना दुनिया से चला जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो हमारे मुसलमानों में है ना, जब उसका मुंह किबले की तरफ कर देते हैं बंदा मर जाए तो कहते हैं कि जो शराब का आदी जब मर जाए 100 दफा उसका मुंह किबले की तरफ फेरो, खुद ब खुद ही उसका किबले से मुंह दोबारा वापस फेर जाता है। मरे रहता तो हमें इस शराब जैसी लानत से बचना चाहिए और कोशिश करनी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बचते हैं, अल्लाह का करम है, लेकिन खुदा के वास्ते जो आपके दोस्त रिश्तेदार बहन भाई मिलने वाले जानने वाले उनको भी बचाओ ना यार, हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है। नमाज के बाद इंशाल्लाह सब भाइयों ने उस खानदान के लिए दुआ करनी है, जो बेटी भी यहाँ पर आई है, बहनें भी आई हैं, नौजवान भी आए हैं, वो लिया से चल के आए, इतना सफर करके कैसी बात है देखो, कहाँ से सफर करके आए। कहा था मुझे, कहते थे आपने वहां पर आना है, तो मैंने कहा यार यहाँ का शेड्यूल ऐसा है कि यहाँ पे आ जाओ। तो बेचारे ये है जज्बा ईमानी, ये जज्बा ईमानी कि चल के आगे कलमा पढ़े, चल के आए। ईमान देखो क्या है, साथ उनको साथी और भी आए हैं, ले के साथ आए, उनका उनका ईमान देखें क्या, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। अल्लाह इनका कलमा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल करे, जिन्होंने इस पर मेहनत की अल्लाह उनको जजाए। सुनते पढ़ा